हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी बजाज ऑटो ठंड के मौसम में सुबह सुबह अगर स्टार्ट नहीं हो रही है, लंबी सेल्फ लगाने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप उसे खुद से कैसे सही कर सकते हो जो एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाए। तो बने रहे आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ठंड के मौसम में ना इंजन स्टार्ट ना होना कई सारे कारण इसकी हो सकती है। ठंड के मौसम में मोबिल जम जाता है, इससे भी इंजन स्टार्ट नहीं होता है, या फिर अगर तेल चपा हुआ है इससे भी इंजन स्टार्ट नहीं होती है, या फिर बैटरी अगर डाउन हो गया हो, क्योंकि ठंड के मौसम में ना जो पुरानी बैटरी होता है ना वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अगर सेल्फ को पूरा फुल पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो पूरा फुल स्पीड में घूमेगा नहीं, तो फिर से इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये सब सही है आपकी गाड़ी में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम हीटर प्लग की हो सकती है। तो आज हम लोग हीटर प्लग को ही खोल के चेक करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप गाड़ी के पीछे वाला कवर को खोल लीजिएगा, ये 10 नंबर के रिंच से खुलेगा। उसके बाद 10 नंबर रिंच से ये वाला कवर को खोल देंगे। दोस्तों, इसमें दो नट 10 नंबर इंच से खुलेगा और ये एक जो दिख रहा है बड़ा वाला ये 12 नंबर इंच से खुलेगा। तो नट तो पूरा खुल गया, अब उसके बाद ये कवर को हटा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, यही है हीटर प्लग। सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले डी का तार को खोल के निकाल देते हैं, फिर आपको सही से दिखेगा। दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा नट दिख रहा है ना, उसी में हीटर प्लग का वायर टाइट हुआ है और उसी के नीचे हीटर प्लग है। तो अब हम लोग इसे खोलेंगे 8 नंबर के रिंच से, और खोल के हीटर प्लग को बाहर निकाल के हम लोग चेक करेंगे वो हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तार का नट तो खुल चुका है, अब उसके बाद हीटर प्लग के नट को खोलेंगे जो कि 12 नंबर के गोटी हैंडल से खुलेगा। तो ये खुल के निकल चुका है हीटर प्लग, तो कुछ ऐसा दिखता है हीटर प्लग। पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसे चेक करेंगे। तो चलिए फिर अब इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, चेक करने के लिए ना ये जो तार आप इसमें से खोले थे उसको इसमें टाइट कर देंगे, और हीटर प्लग को कहीं भी बॉडी में टच करेंगे ना तो वो हीट होगा, लेकिन उससे पहले चाबी को ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, तार तो इसमें टाइट हो चुका है, अब उसके बाद इसको बॉडी में टच करेंगे, फिर चाबी को ऑन करेंगे। ये सब कर लेने के बाद फिर थोड़ा देर वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आगे की तरफ का जो पतला सा निकला हुआ है ना वो पूरा लाल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। दोस्तों, इतना समय तो नहीं लगता है हीटर प्लग को हीट होने में। हम एक बार चाबी को ऑफ करके फिर से ऑन करके उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये फिर भी हीट नहीं हो रहा है, तो चलिए हम एक बार ना और चाबी को ऑफ करके ऑन करके चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि चाबी को दो बार ऑन ऑफ करने के बाद ये हीट हो रहा है, देख पा रहे हैं कितना लाल हो गया हीट होके, ये और लाल होगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये पूरा फुल हीट हो चुका है, तो अब चाबी को ऑफ कर देते हैं। तो अब तो मेरा हीटर प्लग भी सही है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक बार चाबी ऑन किए थे तो हीटर प्लग हीट नहीं हुआ, दूसरी बार चाबी ऑन किए फिर भी हीटर प्लग हीट नहीं हुआ, तीसरी बार चाबी ऑन किए तब जाके हीटर प्लग हीट हुआ। तो इससे हमें पता चलती है कि अगर एक बार चाबी ऑन करने पर अगर स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, तो थोड़ा देर के बाद फिर चाबी को ऑफ करके ऑन करेंगे फिर भी नहीं हो पा रही है, फिर चाबी को ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऊपर जो ऑरेंज कलर की चाबी ऑन करते ही लाइट जलती है ना, उसको बंद होने का इंतजार करना है, फिर चाबी को ऑफ करना है, उसके बाद फिर ऑन करना है, फिर सेल्फ लगाना है, फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो बहुत हीट हो चुका है, तो इसको ना कपड़े से पकड़ के उसके बाद नट को खोलेंगे। नट तो खुल गया है, तो चलिए अब हीटर प्लग को इंजन में टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि हीटर प्लग कहाँ पर रहता है, तो यहीं से आपको खोलना भी है और यहीं से आपको टाइट भी करना है। तो चलिए अब वायर को भी टाइट कर देते हैं।
तो ये भी टाइट हो गया। अब उसके बाद ऊपर से कवर को टाइट कर देंगे। उसके बाद डी वाला तार को भी लगा देंगे। डी वाला तार क्यों खोले थे? क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी हमें हीटर प्लग को देखने में, इसलिए हम खोल दिए थे। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों अब एक बार सेल्फ लगा कर चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों देखे ना एक ही सेल्फ में कैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि ठंड में अगर सुबह सुबह गाड़ी जल्दी स्टार्ट ना हो तो क्या करना है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में हम लोग जो प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे वो इसमें ना हो, वो सब सही होनी चाहिए, तो आप ये ट्रिक को अपना सकते हैं। तो फाइनली अब ऊपर के कवर को नट से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।